स्वर्गढ़ कस्बे में दिनों दिन हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। लोगों व दुकानदारों ने स्वर्गढ़ कस्बे में रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना स्वर्गढ़ के अंतर्गत आने वाले कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के दो कमरों व स्टोर के कमरे में घुसकर अज्ञात चोरों ने करीब 16,000 के सामान पर हाथ साफ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। स्वर्गढ़ कस्बे में दिनों दिन हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। लोगों व दुकानदारों ने स्वर्गढ़ कस्बे में रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना स्वर्गढ़ के अंतर्गत आने वाले कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के दो कमरों व स्टोर के कमरे में घुसकर अज्ञात चोरों ने करीब 16,000 के सामान पर हाथ साफ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कृषि विकास कार्यालय स्वर्गढ़ के कर्मचारी जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आए तो उन्होंने ऑफिस व स्टोर के 3 ताले टूटे हुए देखे तो वो हक्के बक्के रह गए। कार्यालय व स्टोर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। आपको बता दें कि जहां चोरी की वारदात हुई है ये कार्यालय SDM व BDO कार्यालय के साथ सटा हुआ है तथा नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली की सड़क किनारे पर है। ऐसे में चोरी की घटना होना अपने आप में सवाल पैदा कर रहा है। उपरोक्त सारे घटनाक्रम की सूचना कृषि विकास अधिकारी प्रताप सिंह चंदेल ने स्वर्गढ़ पुलिस थाना में जाकर दी। सूचना के बाद स्वर्गढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाकर कर्मचारियों के बयान भी कलमबद्ध किए हैं। बताया जा रहा है कि कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के कमरों व स्टोर में हुई चोरी की घटना में 3 हॉर्स पावर 2 इलेक्ट्रिकल मोटरें जिनकी सब्सिडी पर कीमत 1,500 है जबकि बाजार में इन दोनों की कीमतें 20,000 से भी ऊपर है। इसके साथ ही अज्ञात चोरों ने 5 टूल किट चोरी किए हैं जिनकी कीमत 7,000 बताई जा रही है। कृषि विभाग में सब्सिडी के कारण ये किसानों को कम कीमत पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं जबकि बाजार में टूल किट व मोटरों की कीमत महंगे दाम पर उपलब्ध हो पाती है। इसके अलावा स्टोर में रखा हुआ सब्जी आदि बीज भी चोरी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में कुल चोरी करीब 16,000 के ऊपर की हुई है। स्थानीय लोगों व दुकानदारों व कर्मचारी वर्ग में जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि दिनों दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्वर्गढ़ थाना की पुलिस की रात के समय गश्त बढ़ाई जाए। DSP श्री नैना देवी संजय शर्मा ने चोरी की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि स्वर्गढ़ में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। जैसे ही ऑफिस में हमारे जो अधिकारी BTM हैं उन्होंने प्रवेश किया तो हमारे ऑफिस का ताला टूटा हुआ था और उसमें जो अंदर जब वो गया तो उसने देखा कि एक हमारे अंदर का स्टोर था उसका भी ताला टूटा हुआ था। वैसे ही उसको शक हुआ, वो बाहर आया तो बाहर जब वो आया तो उसने देखा कि जो मेन स्टोर था उसका ताला भी टूटा हुआ था और बाहर पड़ा था। तो ये इसमें जो हमने पुलिस को सूचित किया है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और हमारे स्टोर से जो थी जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स और 4 इम्प्लीमेंट्स के टूल किट सॉरी 5 इम्प्लीमेंट्स के टूल किट और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स ये गायब है। बाकी सामान तो बाकी कोई नुकसान नहीं है लेकिन ये चोरी हुआ है।